हाँ जोर से बोल, जोर से बोल, कर दूं भस्म, हाथा काटने का हुक्म दे दूं ये दोनों, हाँ दोनों हाथा काट के चलाने का हुक्म दे दूंगा तू, जोर से, जोर से, पूरी ताकत से हाजिर हो, चल पूरी ताकत से, छुप नहीं सकता तो, चल हाजिर हो जल्दी पूरी ताकत से, होशियारी करेंगा तो पूरा भस्म कर दूंगा, लगाऊं और तेजी से आग, हाँ जोर से बोल, सब कुछ सुने आना, पंखे की स्पीड कम करो, हाँ बोल जल्दी, हाँ चल जोर से, जोर से। कितने साल से बच्चे के आंग पे, हाँ बोल, नहीं तो और तेजी से आंग भड़काऊंगा, जोर से बोल, बावाज बुलंद, 5 साल से बच्चे के आंग पे, क्या कर रहा था तू उसको, जोर से बोल, तकलीफ देना, सताना, रात दिन इसके जिस्म में तकलीफ देता हूँ। अच्छा क्या क्या तकलीफ देता था, हर जिस्म की, हर तकलीफ, हर जिस्म की तकलीफ, और क्या करता था, क्या क्या है वो तकलीफ, कारोबार से रुकना, उसमें रुकना, कारोबार में भी तूने रुकावट डाला उसके, हाँ और घर में भी रोज लड़ाई, घर झगड़े, घर में झगड़े लड़ाया लगाया, और बस एक काम था खाली झगड़े लगाना, और कोई काम उसका बनना नहीं, कोई काम करना नहीं उसका, और क्या कर रहा था, कारोबार कोई झूठ नहीं कर रहा था, कुछ अभी बंद कर दिया था कारोबार, अच्छा इतना वो कर दिया तुमने उसको, शेर और क्या तकलीफ बता रहा था, शादी में दूसरी बात कर रहा था, और जान से कब मान रहा था, सही दारू पिया, कुछ पी रहा अंदर बैठ के दारू, उसके वो पिला पिला के खत्म कर देने वाला था, सारा तबा बर्बाद कर दिया, और क्या कर रहा था, सारी खुशियाँ छीना उसके तूने, अब तेरे दोनों हाथ में छीनू, भस्म करने का हुक्म दूं इनको, वहां था बोल नाला, लगा पूरी ताकत, पूरी ताकत लगा दी, कहीं भी मिला के खिला के छोड़े थे इसको, बच्चे के आंग में थे वो, सही 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 वो पूरा भस्म करूंगा, ऐसा लाए थे कहां से पकड़ के, शमशान से, मसल गड्डी से लाए थे या खबरस्तान से लाए थे, कहां से ला के छोड़े उसके आंग में, जल्दी जलाओ पेट में से आग लगाओ, तेजी से लगाओ, भड़को आग तेजी से, हाँ बहुत जल्दी, हाँ ठीक से याद नहीं आ रहा, तुझे याद नहीं कहाँ से आया तू, तो उसके अंग में कैसा आया तू, छोड़े कौन थे को वो नामा बता मेरे को, न तो तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा, अभी तो तुम देखा नहीं, अभी आग लगाना चालू कर दूंगा तो छोड़ूंगा, बुझाऊंगा नहीं फिर, चल बोल, ठीक से याद नहीं कहाँ से आया, कौन है तू, आदमी है मर्याला की औरत है, जिन्नात है इंसान है, जिन्जात है क्या इंसान है मरा हुआ, जोर से बोल, जोर से बोल, जिन, कौन है तू, जिन है, मुसलमान है काफिर है, खबीस है के मुसलमान है, काफिर, काफिर जिन्ना थे, खबीस है, खबीस, खबीस, अच्छा कहाँ से, कहाँ रहता था तू पहले, कौन पकड़ के ला के डाला था तुझे उसके आंग में,
खाली आ गया तो उसको परेशान करने। सही बोलो, उसको दवा किसने मिला के पिलाया था दारू के अंदर, सब मालूम है मेरे को, देखा ना। चल बोल जल्दी। तू याद नहीं रखी, तुझे याद नहीं हो ना। ला के जिसने छोड़ दिया उन्हें छोड़ दिया, तू आके बैठ गया उसके आंग में, है ना। और उसको तबाह बर्बाद भी कर दिया, उसकी शादी भी तोड़ दिया, उसका दूसरी शादी भी जमने नहीं दे रहा, सब तुझ कर रहा है, खबीस है तू। अब तो मुसलमान जिन्नात बनना पड़ेगा तुझे अब, मैं तो तेरे दोनों हाथ काट के भस्म कर दूंगा मैं, समझा ना। अब मुझे गुलाम बनना पड़ेगा तुझे अब, तो छोड़ दूँ, दोबारा इसको कभी दारू पिलाना नहीं, समझ गा ना। गलती से भी अगर उन्हें दारू पिया और तू अंदर बैठ के अगर उसको पिलाया तो फिर देख तेरा क्या हल करता हूँ फिर तुम्हें, देखा ना अल्लाह कलाम की कैसी ताकत है यहाँ। चल तोबा कर, उठा दोनों हाथ जल्दी कर तोबा, 5 साल से परेशान कर रहा था रे, हाँ नालायक, करेंगा दोबारा आप कभी उसको परेशान नहीं, पिलाएंगा उसको कभी दारू, बोल। कभी कभी, कभी भी नहीं, तू बैठ के पी रहा था अंदर दारू, अरे नालायक। हाँ अब दोबारा कभी उसको पिलाना नहीं दारू, समझ गया ना। गलती से भी नहीं दिखना मेरे को दारू पिलाता हुआ, अगर दिखेगा फिर तो मैं एक ही सजा का फरमान निकालूंगा तेरे से, दोनों भी हाथा काट के जला दूंगा तेरे, फिर तू कैसे दारू पीता फिर पीते हुए, समझा ना। और तू भी आज के बाद दारू नहीं पीगा, आज के बाद तू मुसलमान जिन्नात बनेगा, समझ गया ना, और मेरा गुलाम रहेगा तू, जब भी मैं तुझे हुक्म दूंगा हाजिर होना, जो भी काम बोलूंगा वो करना, जो भी हुक्म की तामील दिए वो होना, होंगी नहीं होंगी, जोर से हो जाएगी। दुनिया के जो भी कोने में जाके काम करके आ बोले तुरंत करके आ जाना, जाएगा नहीं जाएगा, कितने देर में करके आएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा। हाँ हर चीज जो भी तेरे को हुक्म दूंगा मैं, उसकी तामील होना, समझ गया ना। अभी तक कितने लोगों को मार रहा था, सही सही बोल। कितने लोगों को मारा जान से, याद नहीं, बेनती हमारा लोगों को। अब आज के बाद मेरे हुक्म के बगैर किसी को मारना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, समझ में आया ना। और दूसरी बात कि उसके रिश्ता जमने में रुकावटा ये सब ला रहा था, सारे रुकावटा हटा दे, वो मेरा हुक्म है। उसको दारू पीने की आदत उसकी पूरी तोड़ा दे, ये भी मेरा हुक्म है, समझा ना। उसके कामा धंधे खोल, वो भी मेरा हुक्म है, जैसे बंद करा तूने तो, जोर से बोल। चल तो बा कर, चल तौबा कर, कभी दोबारा अब करना नहीं, अब मेरा गुलाम है तो, अब चल पढ़, क्या पढ़ा रहा मैं तो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से मैं मुसलमान जिन्नात हूँ और अल्लाह ने मुसलमान जिन्नातों की जो गिज़ा चुना मैं वही खाऊंगा आज के बाद, और मैं गुलाम हूँ सैयद टीप सुल्तान का, हजरत जो भी मुझे हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा, दुनिया के कोई भी कोने में रहूंगा, हजरत आवाज लगाते ही हाजिर होऊंगा, जो भी काम बोलेंगे फौरन करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, कसम है मुझे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, मैं वादा खिलाफी कभी नहीं करूंगा। आज से मैं हजरत के फौज में शामिल हूँ।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تیرا نیا نام رکھیں گے، ایک نام بولو جلدی. عامر. محمد عامر. محمد عامر. محمد عامر. محمد عامر جنات حاضر ہو، بلکہ میں آواز لگاتے سے حاضر ہونا، ٹھیک ہے؟ محمد عامر جنات حاضر ہو، بلکہ آواز لگاتے سے حاضر ہونا، اور مجھے دکھنا باضابطہ، اور جو بھی حکم دوں گا میں اس کی تعمیل کرنا. جب بھی میں آواز دوں گا تو میرے نظروں کے سامنے آ کے کھڑے رہنا، اور تیرے اور میرے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہے گا، میں تجھے ڈائریکٹ دیکھوں گا، سمجھ گیا نا؟ چل چھوڑ بچے کو، جا. محمد عامر حاضر ہو بولتے سے حاضر ہونا، چھوڑ دے بچے کو، چل شامل ہو جا باہر کی صفوں میں، جا کے کھڑے ہو جا، میرا غلام ہے، میرے ساتھ رہنا ہمیشہ. چل محمد عامر باہر کھڑے ہو، چل چل محمد عامر جنات باہر جا کھڑے ہو جا، چل کیا رستہ کھل رہا ہے، کیا جلدی جا، کیا جا جا. مالک کا گمان باہر کھڑے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، چل باہر جا، رستہ کھل رہا ہے، جا کیا کیا کھڑے ہو جا باہر کی صفوں میں، مل گئی محمد عامر، پوری طاقت سے جا. انور پاشا کیا ہوا؟ پانی کچھ یاد ہے کہ سوال ہے؟ جنا تھا تمہارے اندر، وہ بھی خبیث، اور دارو پینے کو تمہیں مل جاتا تھا، خود اندر بیٹھ کے پیتا تھا تمہارے. تمہارا کیا بولتے، تم نے کمائی دمائی میں بھی رکاوٹ ڈالا، تمہارے تمہاری شادی بھی توڑا تھا بولتے، تمہاری دوسری شادی بھی نہیں ہونے دے رہا تھا، کمائی دمائی بھی نہیں ہونے دے رہا تھا تمہاری، اور خالی پینے کو لے جاتا تھا نا، خود اندر بیٹھ کے دارو پیتا تھا بولتے. اب تو مسلمان بن گیا، محمد عامر نام ہے اس کا، میرے پاؤں میں آتا ہے تھے غلام. اور دوسری بات، اب اللہ کرم سے عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن آتی پڑھنے، کیونکہ قرآن جیسے بھی آتی ویسی پڑھو، اور اس کے بعد میں نماز پانچ ٹائم کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟ کچھ سوال جواب یاد ہے کہ ابھی کیا ہوئے تمہارے ساتھ میں؟ کہاں سے شروع کا یاد ہے، اینڈ کا یاد ہے کہ بیچ میں کا یاد ہے؟ خالی جائے بولے تو تب سنے آئے تمہارے، کوئی بات نہیں، خالی پریشان کر رہا ہوں، اتنا سنے آیا تمہارا کو، اور جا میں لاسٹ میں بول رہا ہوں، اتنا سنے آیا، آخری بار بول رہا ہوں، جاتا ہوں، محسوس ہو رہا ہوں، محسوس ہو جاتا ہوں. اچھا چلے گا، مطلب باہر کھڑے ہو گیا ہو، میرے صفوں میں شامل ہو، اس کو فوج ملے گی اس کو. اور دوسری بات کیا ہوتا ہے، تو سب پریشان ہوں، سب سبوت کر رہا تھا، اب یہاں سے اٹھنے میں اللہ کرم سے بریٹ ہو جانا، نماز عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا، دعائیں ہوں سب یاد کرنا، حدیث ہوں سب، ٹھیک ہے، سب پڑھتے رہنا. اور دوسری بات یہ، کیا کیا ہوتا تھا ان کو پہلے؟ طبیعت خراب ہوتی، بابا بابا بول رہے ہیں گھر کچھ نہیں آتا، بابا آنکھوں کو دیکھتا نہیں، اب شوگر پیشنٹ ہو، ان بھی پریشان ہوتی ہے، ماں بولتی نہیں، ماں لاڑوں میں سر آتی نہیں،
आज हम लेके रुपये को परेशान है। आज हमारी तकलीफ अमर को उन्होंने बोला ना, मगर बुध पहले छोड़े थे 5 साल पहले, 5 साल से परेशान है क्या? 5 साल में खुला के छोड़े थे, तो इन 5 साल में इनको क्या बोलते, तो पूरा बर्बाद हो, सब सब पूरा करते हैं। पीना नहीं, पीने का उसका बंद करता हूँ, रात तमाम नहीं, झगड़ा भी होता नहीं उसका, मेरे लड़की झगड़ा। कहाँ से पीना, वो अंदर बैठ के पीरा था ना दारू, वो घर का नाम निकल गया। मेरे अल्लाह ने रास्ता बताया ही, अल्लाह करम से कर दिया नवराई की बात, तो करा दा बोलता नहीं पता था। अच्छा बाबा, अब कैसा लग रहा? हम तो मकसूद बोल रहे हैं। चलो चलो, रोक दो।